नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि वो दो स्लाइड बनाएगा बच्चों के लिए पार्क में जो खेलते हैं। स्लाइड पता ना, वो जो ऐसे वाले पौड़ियाँ चढ़कर ऐसे झूला होता है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, वो वाले जो 5 साल की एज से नीचे नीचे बच्चे हैं, उसने क्या किया था, स्लाइड की हाइट, ठीक है, टॉप ऑफ द हाइट 1.5 मीटर रखेगा और एंगल 30 डिग्री रखेगा टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जबकि जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए उसने की हाइट 3 मीटर है और एंगल 60 डिग्री का किया है। तो हर एक उसने पूछा है कि लेंथ स्लाइड की कितनी होगी। जैसे ये पहले ए बी सी, ये स्लाइड होगी, लेंथ ये फाइंड करनी है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 1.5 मीटर की हाइट रखी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर, फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर एंड ए सी इक्वल टू एल, लेट ए सी इक्वल टू एल, एल वन लिख लो, एल वन बी लेंथ ऑफ स्लाइड, एंड जो एंगल है ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल है वही अब ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए सी बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, परपेंडिकुलर 1.5 है, हाइपोटेनियस L1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, L1 हो जाएगा 1.5 इंटू 2, 1.5 को 2 से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 मीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद उसने कहा 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन, लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन। बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की हाइट उसने थोड़ी बड़ी कर दी, स्लाइड की ये हाइट 3 मीटर और ये स्लाइड फाइंड करना है, ये L2 मान लेते हैं और एंगल 60 डिग्री का। तो ये लिखेंगे यहाँ डी ई और एफ का नाम दे दिया, ये लिखेंगे डी ई इक्वल टू 3 मीटर, डी एफ इक्वल टू L2, बी लेंथ ऑफ स्लाइड एंड एंगल डी एफ ई इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल है वो ट्रायंगल बन जाएगा, इन ट्रायंगल डी एफ ई, ठीक है। फिर फॉर्मूला भाई साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/L2। अब साइन 30 की वैल्यू, रूट थ्री बाय टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया √3 × L2 = 6। तो L2 हो जाएगा 6/√3। अब √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3, ये हो जाएगा 6√3/3, 3×2=6, L2 आ गया हमारे पास 2√3। लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर है।